नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे अपना यूनिट नंबर जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइजेस और हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस के बारे में और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आज हम कौन से डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं तो चलिए लेक्चर की तरफ तो स्टूडेंट्स लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे कि कंप्यूटर कौन से प्रिंसिपल में वर्क करता है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के प्रिंसिपल पे यही तीन स्टेप्स पढ़े थे ना हम लोगों ने तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें देनी पड़ती है कंप्यूटर को इनपुट जिसके बाद कंप्यूटर करता है उस इनपुट पर प्रोसेसिंग इनपुट क्या होती है इनपुट होती है वो डाटा और वो इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं उस पर काम करने के लिए और स्टूडेंट्स जो वर्किंग करता है कंप्यूटर हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस पर उसे हम क्या कहते हैं प्रोसेसिंग कहते हैं अब उस प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स उसने हमें दिखाने हैं स्टूडेंट्स हम उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं आउटपुट याद है ना तो स्टूडेंट्स उस आउटपुट को शो करवाने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस ठीक है आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन देखें शो द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं स्टूडेंट्स हमें शो करती हैं वो वर्क जो कि किया है कंप्यूटर ने ठीक है स्टूडेंट्स चलिए देखिए कि हम कौन सी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में प्रिंटर के बारे में और स्पीकर के बारे में ये तीनों डिवाइसेस क्या हैं ये है आउटपुट डिवाइसेस तो चलिए देखें कि ये तीनों डिवाइसेस किस तरह काम करती हैं। जी स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मॉनिटर के बारे में तो देखिए मॉनिटर क्या होता है मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस स्टूडेंट्स ऐसी आउटपुट डिवाइस जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर्स के साथ इट डिस्प्लेस टेक्स एंड पिक्चर्स ये हमें टेक्सट और पिक्चर्स दिखाता है स्टूडेंट्स हम लोग टेक्स्ट और पिक्चर्स कहां पर देखते हैं कंप्यूटर के मॉनिटर के स्क्रीन पर देखते हैं आप लोगों ने अपने अपने कंप्यूटर्स में देखा होगा ना एक एलसीडी आप लोगों को नजर आती है जिसके ऊपर आप लोग अपनी सारी इंफॉर्मेशन पिक्चर्स और टेक्स्ट वगैरह को देखते हैं तो स्टूडेंट्स वो क्या है वो है मॉनिटर ठीक है इट इज ऑल्सो नॉन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट तो स्टूडेंट्स हम इसे वीडीयू भी कहते हैं वीडीयू क्या है वीडीयू है विजुअल डिस्प्ले यूनिट ऐसी डिवाइस जो कि आप लोगों को टेक्स्ट एंड पिक्चर्स डिस्प्ले करती है तो स्टूडेंट्स आगे देखिए एलसीडी एंड प्लाज्मा मॉनिटर्स आर कॉमन इन नावर डेज तो स्टूडेंट्स आजकल के दौर में जो मॉनिटर्स हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं वो हैं एल और प्लाज्मा मॉनिटर्स स्टूडेंट्स आप लोगों के पास भी जो मॉनिटर्स होंगे वो भी यूजली एल या प्लाज्मा मॉनिटर्स होंगे प्लाज्मा और एल मॉनिटर्स क्या है ये मॉनिटर्स की टाइप्स हैं तो स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर को देखिए जी स्टूडेंट्स ये पिक्चर क्या है ये है मॉनिटर और ये कौन एलसीडी मॉनिटर यही मॉनिटर्स यूजुअली हमारे घरों में और हमारी कंप्यूटर लैब्स में इस्तेमाल होते हैं आप सबने भी देखे होंगे तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस देखिए क्या है तो नेक्स्ट है प्रिंटर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रिंटर होता क्या है स्टूडेंट्स हमारी जो भी फाइल्स जो के कंप्यूटर में सेव्ड होती हैं टेक्स्ट फाइल्स हैं या पिक्चर्स हैं उनको हम अपने पेपर पर भी प्रिंट कर सकते हैं और वो पेपर पर प्रिंट किस तरह से होती है स्टूडेंट्स वो होती हैं प्रिंटर की मदद से तो चलिए देखिए कि प्रिंटर क्या है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर ऐसी आउटपुट डिवाइस जो कि आपको आउटपुट देती है पेपर के ऊपर उसे हम क्या कहते हैं प्रिंटर कहते हैं द प्रिंटेड कॉपी ऑफ आउटपुट इज नॉन एज हार्ड कॉपी तो स्टूडेंट्स उस पेपर को हम क्या कहते हैं जो कि हमें प्रिंटर से मिलता है जिस पर सारी इंफॉर्मेशन होती है उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी ठीक है हार्ड कॉपी उसे क्यों कहते हैं क्योंकि हम उस कॉपी को छू सकते हैं इसलिए हम उसे कहते हैं हार्ड कॉपी आगे देखिए स्टूडेंट्स इट हैज डेटा टेक्स्ट एंड पिक्चर्स ऑन इट हमारी उस हार्ड कॉपी पर क्या होता है उस हार्ड कॉपी पर होता है डेटा यानी के टेक्स्ट और पिक्चर्स और फिगर्स वगैरह तो ये किया है। जी students, भी क्या करते हैं आई पीओ प्रिंपल पर काम करता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट तो स्टूडेंट्स इन तीन स्टेप्स पर काम करता है हमारा प्रिंटर भी सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट क्या होगी इस सिनेरियो में तो स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने कंप्यूटर को कमांड दी कि कंप्यूटर ने किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कंप्यूटर क्या करता है कंप्यूटर एक इनपुट जनरेट करता है प्रिंटर के लिए ठीक है और वो डॉक्यूमेंट जो कि हमने प्रिंट करना है वो दिया जाता है प्रिंटर को तो स्टूडेंट्स प्रिंटर रिसीव करता है इनपुट ठीक है अब उसके बाद जो कि प्रिंटिंग हो रही है हमारे पेपर पर वो क्या है वो है प्रोसेसिंग ठीक है अब उसके बाद जो हमें पेपर मिलेगा स्टूडेंट्स जिसके ऊपर हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हुआ हुआ होगा वो क्या होगा वो होती है आउटपुट तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा प्रिंटर भी कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है आईपीओ प्रिंसिपल पे काम करता है चलिए स्टूडेंट्स देखिए कि स्पीकर किस तरह से काम करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस है स्पीकर स्पीकर किस तरह से काम करता है चलिए देखिए स्पीकर अलाउज यू टू हेयर साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर स्टूडेंट्स सबसे पहले बताएं कि स्पीकर आप लोगों ने देखे होंगे ना अपने अपने कंप्यूटर्स पर जिस पर हम लोग ऑडियो सुनते हैं आप लोग म्यूजिक तो सुनते होंगे सब लोग कार्टून देखते हैं ना तो स्टूडेंट्स वो ऑडियो हमें किस तरह से सुनाई देती है वो ऑडियो हमें सुनाई देती है स्पीकर के जरिए ठीक है तो ऐसी आउटपुट डिवाइस जो कि हमें ऑडियो में आउटपुट देती है उसको हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं स्पीकर स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन पर देखिए जी ये जो पिक्चर आप लोगों को नजर आ रही है स्टूडेंट्स ये है स्पीकर स्पीकर की डिफरेंट टाइप्स हो सकती है जैसे हेडफोन्स क्या होते हैं स्क्रीन पर देखिए पिक्चर में जी स्टूडेंट्स ये भी स्पीकर है और लाउड स्पीकर्स भी हो सकते हैं जी पिक्चर्स में देखिए जी स्टूडेंट्स ये सारी पिक्चर्स जो आप लोगों को नजर आ रही हैं ये हैं डिफरेंट टाइप्स के स्पीकर्स जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर से आने वाली ऑडियो को सुनने के लिए तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ टाइप्स आउटपुट डिवाइसेस की दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं हमने पढ़ा है मॉनिटर मॉनिटर क्यों इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स मॉनिटर इस्तेमाल होता है आप लोगों के टेक्स्ट और पिक्चर्स को डिस्प्ले करने के लिए यानी कि आपको टेक्स्ट और पिक्चर्स दिखाने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम कहते हैं मॉनिटर ठीक है अब जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं पेपर के ऊपर आउटपुट लेने के लिए उसको हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंटर और स्टूडेंट्स ऐसी आउटपुट डिवाइस जो कि आप लोगों को साउंड का आउटपुट देती है वो क्या होती है वो होते हैं स्पीकर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आउटपुट डिवाइसेस अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं चलिए देखें दे स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन तो स्टूडेंट्स आप लोगों का जो भी डेटा और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कहाँ पर स्टोर होती है वो स्टोर होती है स्टोरेज डिवाइस में तो चलिए देखते हैं कि हम आज के लेक्चर में कौन सी स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के बारे में और फिर कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे पेन ड्राइव्स के बारे में तो चलिए देखिए कि ये तीनों ड्राइव क्या होती हैं और किस तरह काम करते हैं तो पहली स्टोरेज डिवाइस क्या है हार्ड डिस्क है तो चलिए देखिए हार्ड डिस्क क्या होती है इट स्टोर ऑफ द कंप्यूटर एंड इज प्रेजेंट इन साइड द सीपीयू पी यू ये क्या करती है हार्ड ड्राइव आपके सीपीयू के अंदर मौजूद होती है और ये क्या करती है आपके कंप्यूटर का सारा का सारा डाटा और इंफॉर्मेशन इस ड्राइव में स्टोर होता है ठीक है स्टूडेंट्स कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए होता है या जो भी फाइल्स आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में रखी हुई हैं, स्टूडेंट्स ये सारा का सारा डेटा कहाँ पाया जाता है ये होता है हार्ड ड्राइव में और एक और बात स्टूडेंट्स हार्ड ड्राइव आपके कंप्यूटर में फिक्स होती है और आप लोग इसे इजिली निकाल नहीं सकते ठीक है स्टूडेंट्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर पिक्चर देखिए जी आप लोगों की हार्ड डिस्क कुछ इस तरह की नजर आती है मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने हार्ड डिस्क देखी होंगी आपके सी के अंदर मौजूद होती है बारे में पढ़ने वाले हैं ये है कॉम्पैक्ट पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑल्सो नोन एज सी तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना होगा नाम सी और डीवीडी सुना है ना सबने तो so, स्टूडेंट्स ये क्या होती है ये होती है आप लोग एक कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं उसके बाद आप लोग इसे दूसरे कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं तो स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन पर देखिए सीडीज और डीवीडीज कुछ आपको इस तरह की नजर आती है जी और इन पर हम लोग कर सकते हैं काफी सारा डाटा स्टोर आप लोग अपने सॉन्ग भी स्टोर कर सकते हैं मूवीज पिक्चर्स या कुछ भी आप लोग इसमें स्टोर करना चाहें इवन कि आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट की फाइल्स भी स्टोर कर सकते हैं जी अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस कौन सी है तो नेक्स्ट ड्राइव है पेन ड्राइव स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस विच स्टोर लार्ज डेटा तो स्टूडेंट्स ऐसी डिवाइस जो कि दिखने में तो बहुत छोटी होती है लेकिन ये बहुत सारा डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है इट वर्क फास्टर डिवाइस स्टूडेंट्स ये बाकी सारी डिवाइस की नस्बत ज्यादा तेजी से काम करती है कंप्यूटर है तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर में हम लोग इन्हें किस तरह से लगाते हैं कंप्यूटर में होती है डिफरेंट पोर्ट्स जिनके जरिए हम लोग कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट डिवाइस को प्लग इन करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स जैसे कि स्पीकर्स को लगाने के लिए कोई पोर्ट होगी कोई पोर्ट इस्तेमाल हो सकती है कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए तो उसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास काफी सारे पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग अपनी पेन ड्राइव्स को कंप्यूटर में प्लग इन कर सकते हैं उन पोर्ट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स दीज पोर्ट्स आर कॉल्ड यूएसबी पोर्ट्स उन पोर्ट्स को हम कहते हैं यूएसबी पोर्ट्स इसीलिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना होगा कि पेन ड्राइव्स को हम लोग यूएस भी कहते हैं तो स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन पर देखिए जी ये पिक्चर जो आप लोगों को नजर आ रही है स्टूडेंट्स ये है पेन ड्राइव ठीक है और पेन ड्राइव बहुत ही इजी टू कैरी इजी टू यूज होती है आप लोग इसे अपने कंप्यूटर्स में पोर्ट्स की मदद से अटैच करते हैं और आप उसे प्लग इन और प्लग आउट कभी भी कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ स्टोरेज डिवाइसेस जो कि इस्तेमाल होती हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट की एक्सरसाइज तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़